और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। जनाब रमेश कुमार साहब के साथ में, देखिए सर हमारे पास मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल है, दूसरी चावल है। जो रीप की बात की गई, राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ट्रेड कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर टिडाप जो एक इदारा है उसको मॉनिटर करना चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए कि कौन से मुल्क हैं जिस मुल्कों के अंदर हमारे जो है वो ट्रेड जो है हमारा डेफिसिट में चल रहा है। ये अभी जो मैंने इसका जवाब पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं और आ रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, उनको फोकस करना चाहिए हमें, और उसके ऊपर जो फोकस नहीं हो रहा है ये मैं समझता हूँ इसके ऊपर होना चाहिए, एक चीज़। दूसरा, आज आपा ने जो बात की इस हवाले से, जो मॉनिटरी पॉलिसी आई है 1.5% जो इंक्रीज़ हुआ है, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने जो अभी मेयर्स लेना शुरू किए हैं ये पॉजिटिव है। या तो हम आवाम के ऊपर पेट्रोल का सब्सिडी ख़त्म करके हम उधर जाएं, या जो बड़े बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस करके कमा रहे हैं अगर उसके ऊपर 1.5% बेसिस पॉइंट अगर बढ़ा के उसके ऊपर कुछ लोड डाल के और ये डेढ़ महीना आवाम के ऊपर रिलीफ, तो हमें कहीं ना कहीं पर एडजस्ट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की जो सियासत है, अपोजिशन को अपोजिशन कर, मगर जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हो उसको पॉजिटिव समझें, जो नेगेटिव हैं उसको नेगेटिव समझें। हुकूमत को ज़रूर इस क्वेश्चन के हवाले से सवाल यह, इस हुकूमत को अपनी पॉलिसी के तहत अपने टिडाप को एक्टिव करें कि एक्सपोर्ट को जिस जिस मुल्कों में डेफिसिट है वो कैसे कम हो, एक तो उन चीज़ों को फोकस करें। दूसरा, जो एसोसिएशन की जो बात की गई, ये सही उन्होंने बात की अपना पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने, मैं सारू सब ने सप्लीमेंट्री, तो आज क्या आप सप्लीमेंट्री की बात करें तो क्या ये ट्रेड डेफिसिट या मॉनेटरी पॉलिसी की बात की गई, क्या मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन इससे रिलेट करता था? मगर जब बिजनेस की बात आती है, और मैं समझता हूं कि मेम्बरान को अगर इस हवाले से बताया जाए एक फैक्ट्स के हवाले से। वैकवानी साहब, क्वेश्चन आर में जैसे मैंने पहले कहा था,